ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है। टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज 1-0 से अपने नाम की है। बता दें कि सीरीज का दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा। वहीं भारतीय टीम ने पहला मुकाबला पारी और 141 रनों से जीता था। इस तरह ये सीरीज टीम इंडिया के नाम रही। वेस्ट इंडीज ने भारत से आखिरी टेस्ट सीरीज 2002 में जीती थी। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस मुकाबले का 5वां और आखिरी दिन बारिश के नाम रहा। दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। शाम तक भी मौसम साफ नहीं हुआ, जिस कारण टेस्ट में एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। हार जीत का फैसला नहीं हो सका और भारत को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। रविवार को चौथे दिन वेस्टइंडीज को 365 रन का टारगेट मिला था। टीम ने स्टंप्स तक 2 विकेट पर 76 रन बना लिए थे। टीम इंडिया अब 27 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम जारी कर दी है। शाई होप ही टीम के कप्तान रहेंगे। टीम में लंबे समय के बाद बैटर शिमरॉन हेटमायर और तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस की वापसी हुई है। हेटमायर वेस्टइंडीज से पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर का हिस्सा भी नहीं बन सके थे। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 15 प्लेयर्स का स्क्वाड जारी किया। निकोलस पूरन और होल्डर टीम में जगह नहीं मिली है। विकेट कीपर निकोलस पूरन, इंजर्ड तेज गेंदबाज कीमो पॉल और ऑलराउंडर जेसन होल्डन सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहे। वही टीम में तेज गेंदबाज जेडन सील्स, लेग स्पिनर यानी करियाहा और लेफ्ट आर्म स्पिनर बुडाकेश मोटी की वापसी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।